आज हम जा रहे हैं कहाँ? बठिंडा, बराला, मानसा। बस वाले बन गए भैया आप तो? नहीं नहीं बस वाले नहीं। सो आज फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अमन भैया के साथ टूर पे, और आप घर से निकल गए हैं। पहले जाएंगे बरनाला, वहाँ पर नाश्ता करेंगे। पापा बता रहे थे कि उधर पूड़ियाँ वाला बहुत फेमस है, फेमस पूड़ी वाला बरनाला। चलो चलते हैं, हम पहले बरनाले जाएंगे, वहाँ पर खाएंगे, नाश्ता करेंगे। भैया वहाँ पे तो पापा का बहुत पुराना घर भी है ना, जहाँ पापा और दादी रहते थे। पापा मानसा रहते थे, उन्होंने अपने हाथ से बनाया था अपना घर, पापा दादू के साथ, दादाजी के साथ। हम उधर भी जाएंगे, ताई जी को भी मिलेंगे। और क्या, और टोल प्लाजा आ गया वैसे तो बंद। आज का टूर है बड़ा, टोल प्लाजा तो भाई बंद है हमारे फार्मर्स के कारण। सलूट है पूरे सबके, सलूट है इनको, फार्मर्स को। अभी तक बेचारे दिल्ली में बैठे हैं, कोई उनको अभी तक ऑर्डर पास नहीं हुआ, क्या करना उनका। 7 महीने हो गए उनको बैठे उधर। चलो चलते हैं गाइस, आगे जाके देखते हैं। पहले पूड़ियाँ छकेंगे, फिर बठिंडा जाएंगे, फिर दमदमा साहब जाएंगे, फिर जाएंगे पापा के घर, पुराने वाले घर। फ्रेंड्स अभी बरनाले पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट एंटर हुए हैं, और पहले अभी हम नाश्ता करेंगे यहाँ पे, है ना भैया? हाँ जी हाँ जी। क्या खाएं? भूख लगी है। हाँ भाई भूख तो सबको ही लगती है, तुम्हें ज्यादा ही लगती है आजकल। बोला तो आपने भी था भूख लग रही है भैया, कुछ खिलाओ। मैंने ऐसे तो नहीं बोला, इतनी जल्दी जल्दी भूख लगती है, मतलब तो बोलते ही है। खाना क्या है वो बताओ, देखते हैं पहले पहुंच जाए उसके पास। अच्छा चलो गाइस अभी चलते हैं, उसके बाद जहाँ से खानी है लीची। तो फ्रेंड्स अब सैर कर रहे हो बरनाले की मार्केट की। सैर क्या भाई, हम तो गाड़ी में बैठे हैं। ओ भाई ये तो सैर करेंगे ना ऑडियंस, तो वो थोड़ा ना आएंगे, वो तो देख सकते हैं हमारे व्लॉग से, वो थोड़ा ना आएंगे। क्या पता अभी ये व्लॉग देख के ये क्या, वो पागल थोड़ा ना, या तो कोई काम है तभी आए। हां वही कह रहा हूं। राइट पे रेलवे स्टेशन है ये, राइट पे लेफ्ट सदर बाजार, लेफ्ट पे आ गया सदर बाजार ये वाला। हमें तो भाई कुछ पता नहीं है, आपको ही पता, आप ही घूमते हो, आप ही टूर पे जाते हो। तो फ्रेंड्स गाड़ी लगा दी हमने वाइट लाइन के अंदर, नहीं तो टो करके ले जाते हैं, और हम जा रहे हैं अभी बरनाले में। पता भी नहीं कहाँ लेकर जाएंगे वो भैया को, पता नाश्ता ले करवाने जाएंगे। और नाश्ता नहीं, अगर गाड़ी टो करके ले, वो कह रहा हूँ मैं, वो तो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन कौन सा पता हमें यहाँ, ये तो सभी को पता होता है यार। मेरे को नहीं पता पर। अच्छा टो करके लेके जाएंगे क्योंकि हमने वाइट लाइन से पार कराई नहीं। तो फिर वो हमने से आना काम किया ना। चलो यार चलो यार चलते हैं, पहले खाते हैं। तो गाइस जब हम पहुंच चुके हैं, ये जगह थी पहले, भैया भूल गए हम आगे आ गए, मैंने पूछा पता भी है याद भी है। सो नाम अगर बंशी पूरी भंडार, चलते अंदर। ये देखो भैया ये क्या कर रहे हो? तो गाइस अंदर ना थोड़ी सी लाइट कम है, और 3 प्लेट कही हैं पूरी है। भैया क्या रेट है पूरी होगा? 40 की एक प्लेट। तो दोस्तों इनको यहाँ पर दुकान पे 40 साल हो गए, ये 40 साल से यहाँ पर ही पूड़ी बना रहे हैं। और ये देखो छोटी छोटी और बढ़िया पूड़ी हैं। कहाँ पे होती है, घर पे कई बार कितनी लंगर में मिलती है ना, इतनी इतनी सी वैसी है ना कि छोटी छोटी सी। चलो ऑर्डर कर लिया, हम खाते हैं। साडा ऑर्डर आ गया फ्रेंड्स, ओए हो पूरी बड़ी थी प्लेट आई है अपनी, जी चो निकल रहे प्रेजेंटेशन से। हाँ ओए आ दिया, ओए मेरे क्या मलाई मलाई चटनी किद्दा रखी चटनी, ए लगता पा कि चटनी नहीं हो कोली है। आ देखो पूरी है, देखो गाइस निक्की निक्की जी छोटी छोटी जी, खा के दसो। खाने हैं गरम गरम, थोड़ी ठंडी हो जाएगी, गरम है। Thank you.
बीरा भी खान लगा है, मैनू भी खान दो, आलो मैनू भी खान दो तुम। उन्होंने मनकीरा टेस्ट करके बताएगा कैसा लगा इसको। चटनी बहुत ऑसम है, खाई नहीं होगी ना तुमने चटनी? मैंने नहीं खाई। चलो अब मुझे भी खाने दो। तो गाइस नाश्ता हमने कर लिया और मनकीरा सिंह हमें देंगे रिव्यू। बहुत टेस्टी था और क्रंची थी पूरियां और बहुत छोटी छोटी, बस पेट होती है छोटी छोटी में भी, और चने बहुत टेस्टी थे ऊपर से, और इनकी जो स्पेशल वाली चटनी जो छुपा उसको थी छुपी हुई थी वो बहुत टेस्टी थी। और 10 में से कितने नंबर? 9। 10 में से 9। चलो फ्रेंड्स कर लिया नाश्ता और चलते हैं आगे। अमन भैया ने काम करना वो काम नबेड़े और हम चलते हैं फिर बठिंडा। बठिंडे में जो काम है वो नबेड़ के हम आगे जाएंगे दमदमा साहिब मथा टेकने। चलो गाइस चलो आगे चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए और मैं बिल कटा दूँ। सो दोस्तों अभी बाजार में इसलिए रश नहीं है क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, अभी पूरी मार्केट खुली नहीं है और जो कस्टमर होता वो अभी इतना निकला नहीं है, तो इसीलिए बाजार में रश कम है, नहीं तो ये सदर बाजार में होता बहुत है रश। भैया बता रहे थे कहते यहाँ पर तो गाड़ी लगाने की जगह नहीं होती, वैसे भी आप देख ही रहे हो बाइक लगाने की जगह नहीं है, गाड़ी कहाँ से लग जाएगी। और जब हमने पूड़ियाँ खाई, पूड़ियाँ तो गाइस बहुत ही स्वाद थी, बहुत ही स्वाद। अब भैया जा रहे हैं दूसरी पार्टी पे, पहली पार्टी तो है नहीं थी और दूसरी पार्टी पे जा रहे हैं, देखते हैं। पार्टी होती है भाई, ये रही दादू कलेक्शन। यहाँ पर भैया जा रहे हैं, आते हैं फिर हम जाएंगे बठिंडे को, बठिंडे काम करके फिर हम जाएंगे दमदमा साहिब। चलो दोस्तों चलते हैं, ये बरनाले की सिटी मार्केट आ गई, खुला ही नहीं है। अरे खुला है। सिटी मार्केट कैसे खुला? एक गेट खुला था ना छोटा सा, हमें नहीं दिखा सिरदार जी। ये तो है, ये कौन सी मार्केट आ गई अमन भैया? ये कौन सी मार्केट है? मार्केट का नाम तो नहीं पता है, बाहर निकलता सीधा बस स्टैंड जाता है खब्बे हाथ कॉलेज रोड। ओके ये लेफ्ट को जाती है कॉलेज रोड और सामने बाहर को निकलता है बरनाले के बाहर। पुलिस वाले ने खड़ा रखा है पानी क्या बात, ये देखो पुलिस वाले भी बैठे हैं भाई, तुम्हें बोले मत क्या पता रोक ले भाई, तुम वीडियो को बना रहे हो हमारी। चलो अब जा रहे हैं बठिंडे, बठिंडे काम करते हैं, अब यहाँ पर तो हो गया, लेट्स गो। बठिंडे नहीं बठिंडा। अरे भाई ये हिंदी में बोलना ना थोड़ा सा ओखा लगता है, मुश्किल ओखा सोखा। और जो पूड़ियाँ छोले थे बहुत ही बढ़िया थे, बहुत ही बढ़िया। मुझे एक फ्री मिल गया, अमन भैया ने दो ही खाए मुझे एक मिल गया फ्री का, मजा आ गया। टेस्टी तो तब भी थे बहुत थे। चलो टेस्ट तो वैसे ही है ना। हाँ चलो चले आगे चलते हैं, चलो लेट्स गो।